भाग गया भाग गया उधर गाड़ी के पास। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज 14 अगस्त है, आप सब लोगों को आज़ादी मुबारक। आज हमारे घर कंटेंट आया हुआ है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं कंटेंट। 3 2 1 इधर देखो ना सब, शोर मचाओ इधर कैमरे में देखो, शोर मचाओ। अभी दोबारा हाजरा बीबी, शोर मचाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करना और बोलना पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान। अरे कुछ बोलो भी सही ना, पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहो ना, तुम कहो हाजरा बीबी, कहो हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आपकी बारी है बीबी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब कट्ठे कहो ना, शहरयार आप कहो पाकिस्तान, ये कहेंगे जिंदाबाद, ठीक है? कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से कहो। खुशी नहीं हुई क्या? कोई खुशी नहीं है। तो सारे यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे 14 अगस्त है आज, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नमाज पढ़ी है 14 अगस्त की? क्या है, नहीं पढ़ी आपने? आपने पढ़ी है अब्दुल्ला? आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी 14 अगस्त की नमाज? हाँ। देखे सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, हाथ में इन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं, झंडे झंडिया। ये देखे मामू, आज हम क्यों 14 अगस्त मना रहे हैं, वजह बताओ ना याद बीबी, क्यों आज मना रहे हैं? मनाते हैं किस वजह से? बर्थडे है। तो किसने आजाद करवाया था? गेम क्यों खेल रहे तू? हाँ? तो बना, मुझे बताओ किसने आजाद करवाया था? इस दिन आजाद हुआ था, किसने आजाद करवाया था ये बताओ? ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता? ओए उठ, तू उठ, धुप पे जुलो, कंटेंट बढ़ गया हूँ अंदर, जुलो धुप पे, चलो। तो बच्चे यहाँ पे 14 अगस्त मना रहे हैं। फिर बजाओ, फिर इधर बैठो इधर आओ। अब सुनाओ दिल पाकिस्तान, सुनाओ पुपली भी साथ बजाओ ना, ये भी साथ बजाओ, दिल, 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 पाकिस्तान, फिर पुपली बजाओ। अभी यहाँ पे एक ट्रेन बच्चों की जाएगी, पूरा ऐसे गोल राउंड लगाएगी, चलो भाई चलो, हॉर्न तो बजाओ। वो इंजन इधर जा रहे हैं, इंजन इधर जा रहे हैं। ओए इंजन किधर गया? इंजन तो इधर पड़ा हुआ है। ओए तुम्हारी बोगियां गिरी हुई हैं, इंजन तुम्हारी ये सारी बोगियां गिरी हुई हैं। ओए डब्बे, तू कैसे गिर गया डब्बे है? तू पीछे कैसे गिर गया? ये देखें इंजन का काम देखें, इसने सबको लेके जाना था और ये खुद इधर पड़ा हुआ है। अपनी ये पुपली बजाओ, ये लो पुपली बजाओ, सबको इकट्ठा करो दोबारा। हाँ देखो, मेरा नाम है गुल्ला जो हर रोज खाता रसगुल्ला। मेरा नाम है पूता जो होता है अपने बाप का भी नहीं। ये आपके बाबा देखेंगे, ठीक है? क्या कहा है अब्दुल्ला ने? बोले मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। पाकिस्तान जा, ये कौन सा गाना गा रहे हो हैं? चलो बहुत हो गया। बस यही था गाना। हमारा
अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं रेमेर खान डेजर्ट, वहाँ पे मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह बनाने थे जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिए होंगे। और आज वैसे भी 14 अगस्त है तो वहाँ पे भी हल्ला गुल्ला होगा, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। भाई अल्लाह खैर करे, बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी पुपलियां बाजे उठाए हुए हैं जैसे कोई जंग हो या किसी को जगाना हो। भाई बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो एक दोस्त को हम यहाँ से उठाएंगे, ये मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन में गली नंबर 1। तो आप लोगों को फुल एड्रेस बता रहा हूँ, कभी भी काम पड़ सकता है आपको। ये एक टिरेली जा रही है। तो गाइस अभी हमारे साथ सारे सदस्य आ गए हैं। ये है जाम उमेर। जाम उमेर साहब कैसे हैं, तबीयत से ठीक है यार? इतने अरसे बाहर नजर आए हो, कहाँ गुम होते हो? मैं मेला इतवार की छुट्टी और ये अरम है। अरम भाई और सुनाओ, तबीयत से ठीक है? मजे लगे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रेमेर खान डेजर्ट। अभी ये सारे भाई मिले हैं, सैम भाई, मोरेज भाई और उमर भाई। कैसे उमर भाई? कड़वा भाई, ठीक है? कड़वा भाई। आप लोग आ रहे हो फिर उधर? बस ठीक है, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सही है। तो अभी ये भी आ रहे हैं उधर डेजर्ट पे। क्या चाहता, कितने में आए? क्या चाहता, कितने में आए? ये बेस्ट है वाला। हाँ काम ही है, 1500 का भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मारे में 1500। ये देखें जी, गाड़ियां जा रही हैं डेजर्ट वाली साइड। हम भी इधर से कुछ लेते हैं खाने पीने का सामान। इधर से देख लो ना, जो डील लो। 350 में 3 जिंगल, 3 चिकन पीस, लार्ज साइज, रेगुलर साइज, 2 कोल्ड ड्रिंक्स, 3 कोल्ड। अच्छा चले, एक कोल्ड पर चले कर दें आगे। ओके, किधर आ गया? अच्छा वगैरह, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। लो जी हमारा खाना आ गया। ये सारा आराम खा जाएगा, ये तो सारा तू ही खा जाएगा है। तो अभी खाना छाना ले लिया है, अभी फ्यूल वगैरह डलवा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे आगे डेजर्ट की तरफ। यहाँ से ये सारी अबू धाबी रोड स्टार्ट हो जाती है। मौसम भी काफी अच्छा हो गया है। ये आगे और गाड़ियां जा रही हैं डेजर्ट की तरफ। इनके पीछे ना चले हम, इनका काफिला ना ज्वाइन कर ले। क्या बात है, एक चीज मिसिंग है अपने पास। कसम से मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं कहीं से। हर कोई जा रहा है डेजर्ट वाली तरफ, जश्न आजादी भी मना रहे हैं और मौसम भी काफी अच्छा है। हमने भी एक काफिला ज्वाइन कर लिया है, तो इनके साथ साथ जा रहे हैं अभी। अभी हम लोग पहुंच गए अबू धाबी पैलेस। तो यहाँ पे अंदर तो हमें नहीं जाने देंगे, यहाँ से हम लोग राइट होंगे, सीधा डेजर्ट की तरफ जाएंगे। ये पैलेस है अबू धाबी का। करवा दो एंट्री? नहीं नहीं, एक दिन आएगा हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी। इधर एक टर्न आता है, वहाँ से लेफ्ट लेना पड़ता है, ये वाला। इधर कुछ दिन पहले फुल यहाँ पे पानी भरा हुआ था जो बारिश हुई थी। इस साइड पे बहुत बारिश होती है, सिटी में नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। अभी यहाँ से डेजर्ट स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को मैं आगे नज़ारे दिखाता हूँ, जो यहाँ के मज़े मज़े के नज़ारे हैं। मिनी दुबई है ये रहीमर खान का, ऐसे ही है ना, दुबई वाला माहौल है कि नहीं? बिल्कुल, तो हम यहाँ आते हैं। हाँ, समझो वीजे के बगैर दुबई आ गए। हाँ, वीजे के बगैर अगर दुबई आना हो तो ये जगह बेस्ट है। वीजे के बगैर आप लोग इधर आ सकते हो सुकून से। तो यहाँ से अभी ये खजूरों के दरख्त स्टार्ट होंगे, तो वो बड़ा मजे का व्यू है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें जरा, क्या कमाल व्यू है। सीधा ले जाओ यार, एयरपोर्ट भी अपना। क्या कह रहे हैं? आगे अपना एयरपोर्ट भी तो उधर तुम्हारा प्राइवेट जेट भी खड़ा है ना, घूम फिर के। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं व्यू। ये देखें, ये रहीमर खान के अंदर ये डेजर्ट है, फुल दुबई वाला माहौल है यहाँ पे।
लोग इधर आते हैं, कैंपिंग शैंपिंग करते हैं, खाना शाना खाते हैं इधर बैठ के। अभी हम लोग भी यहाँ के ड्रोन शॉट्स लेंगे। किधर रुके हम हैं यार, आगे भी तो रश हो ही सकता है उधर उस साइड पे। अभी मैं चाह रहा हूँ इधर के ड्रोन बना लें, फिर उधर चलते हैं, रुकते हैं एंड पे, वहाँ पे ड्रोन शॉट्स बना लें। ओ भाई कितने अंदाज़ में क्या बात है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ पे। अभी बस हम ड्रोन श्रोन यहाँ पे उड़ाएंगे और यहाँ के कुछ नज़ारे शज़ारे बनाने थे और आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का माहौल। ड्रोन हमारा बिल्कुल रेडी है। हाँ जी अरम भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं? मौसम बहुत प्यारा है, मौसम बहुत प्यारा है। हाँ अभी 5 बज रहे हैं और देखें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस साइड पर तो भाई बादल ही बादल हैं चारों तरफ और हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है, आपकी तरह बिल्कुल ठंडी हवा है। तो बस अभी ड्रोन उड़ाते हैं। हाँ उस साइड पे ड्रोन अच्छा आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा अंदर डाल लें, ड्रोन इस साइड तो आ ही जाएगा ना। हाँ इधर से उड़ाएंगे, कुछ इधर के व्यू लेंगे कुछ उधर के लेंगे। तो कुछ शॉट ले लिए ड्रोन के, बाकी कुछ आगे से लेंगे। वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं, देखें माहौल, हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। गाड़ी के साथ रोड पे लेके जाना है ना। हाँ अभी इसी का ड्रोन शॉट लेना है एक स्टार्टिंग से ना, फिर उसके बाद हम आगे अंदर एंटर होते हैं। हाँ नहीं नहीं हम गाड़ी गाड़ी उधर खड़ी करते हैं ना हम। ये देखें रश, गाड़ी किधर लगाएं? आगे देखते हैं। हाँ राइट साइड पे लगाते हैं। ये देखें पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां आ रही हैं। इधर ही लगा ले। अच्छा जी अभी सीन ये कि हमने कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह बना लिए हैं, तो दोस्त आ गया है उमर जावेद, अपनी फॉर्च्यूनर पे आ गया है, तो हम उसके साथ ऑफ रोडिंग करेंगे। तो अभी गाड़ी अपनी मैरो को हम यहाँ पे पार्किंग पे लगा रहे हैं, तो वो आ रहा है, फिर वो हमें पिक करेगा, फिर हम थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है भाई, हमें भी घुमाओ साथ यार अपने, हमें भी घुमाओ साथ। कैसे भाई? सर सर कैसे हैं सर? आप सही हैं, अल्लाह का करम। तो गाइस अभी हम उमर जावेद भाई के साथ बैठे हैं और राइड एंजॉय कर रहे हैं, बाकी ये सारे बैठे हैं भाई। जो काम हमारी मैरो नहीं कर सकती वो फॉर्च्यूनर करेगी, है ना? वही बात है इंशाल्लाह। ये देखें गाइस अभी भी रश बहुत ज्यादा है, तकरीबन 6 बज गए हैं और मौसम भी काफी अच्छा है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हम एंजॉय कराते हैं उमर के साथ। रोड पे कौन जाए? हाँ सर मैं अनुसार ऐलान कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ नहीं मैं पूरा छोड़ गया, मीटअप चेंज हो गया। ओ भाई ओ भाई क्या बात है भाई, आपको थोड़ी फील मिलेगी। अब वो ट्रैक ढूंढना पड़ेगा हमारे थोड़े, कहाँ पे है ट्रैक?
से दिखाता हूँ माहौल। आवाम के ऊपर मट्टी आ रही है। सही है भी, सही है, आवाम सही गालियां दे रही है। इतनी मट्टी जा रही है ना उनपे। साइड पे देखें बारिश का पानी, अभी भी यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा है। यहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं, इतनी सिटी में नहीं होती जितनी यहाँ पे डेजर्ट वाली साइड होती हैं। अगर किला दिरावड़ वाली साइड जाना हो तब भी यही रोड जाती है आगे, तकरीबन यहाँ से दो घंटे का सफर है। ओ भाई उठ ना तलवा ने, हेलो डर गया। फुल ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और आगे जाएंगे जहाँ पे हमें अच्छी जगह नजर आएगी, वहाँ पे ड्रोन शॉट भी बनाएंगे। ओ तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे इससे पहले कि सूरज ना डूब जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी बड़े मजे के ड्रोन शॉट्स वगैरह हमने बना दिए हैं तो बहुत मजा आया है। हाँ जी, कैसा लगा है फिर, मजा आया कि नहीं? बहुत दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी हम ड्रोन शॉट्स के लिए यहाँ पे रुक गए थे, हमने कहा अंधेरा ना हो जाए तो अभी ट्रैक पे जाएंगे, उधर ऑफ रोडिंग करेंगे। मजा आ रहा है, सबको आ रहा है, पड़ा है मेरा कोई कपल है। कहता हमें खुद नहीं पता, हमारे पीछे पीछे आओ भैया, इससे पूछो इससे पूछो। आंटी आंटी बात सुनिएगा, आंटी आंटी जी, आंटी नहीं सुन रही भाई, वो खुद गुम हो गई है।
अभी हम लोग काफी आगे हैं ऑफ रोडिंग करते बाकी हर तरफ से भाई आवाजें आ रही हैं। आप लोगों को पता नहीं सुनाई दे रही है कि नहीं। इस साइड पे चलते हैं तो सूरज भी गरूब हो गया। बस अभी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनानी है, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। काफी मजा आया है। और सैम भाई अच्छा बड़े घूम के आए हो, सुनाओ मजा आया कि नहीं मलेशिया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा मुल्क है। चल चल आजा देख लिया उसने। भाग जा भाग जा उधर गाड़ी के पास। चलो चलो भागो भागो। ओ वो रुक गए वहां पे। स्लो पे इसलिए जल्दी। हाँ होए 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 भाई, इस तरह किसी ने नहीं करना। पहले फॉर्च्यूनर भी होनी चाहिए ऐसे करने के लिए। कैसे करना नहीं। ओ भाई बड़ा कमाल का क्लिप बना है और सीन भी बड़ा कमाल का बना है। ये आप लोगों ने नहीं करना, ये स्टंट एक्सपर्ट की निगरानी में हुआ है ना। डोंट ट्राई एट होम। हाँ डोंट ट्राई एट होम। ओ भाई आप बाहर खड़े हो गए हैं, आ जाओ भाई। अभी हम लोग निकलने लगे हैं वापस। यार बड़ा मजा है उमर जावेद के साथ। अभी यहाँ पे घोड़े का सौदा हो रहा है, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेले दे घोड़े। अच्छा लता चौक के तोड़ देने वाला भजे दो जिकमाबाद। ये घोड़ी है, घोड़े मेरे को पता है, मेरे को शौक। 70 लाख रुपए का देखो घोड़ा है। मखदूम के घोड़े पीछे क्या हो रहा है? साथ का बात है। 10 लाख रुपए का घोड़ा, इस घोड़े का जो मांग रहे हैं वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ये पीछे बैठा है कड़वा, सब कमेंट्स में बताए। क्या बताएं, ये भी बता दे। सब सब कमेंट्स में बताएंगे क्यों नहीं। ये देख खजूर चोरी कर रहे हैं यहाँ से। अख लाल लिबास काले कूड़े थे, मैं जी में मूसा ऑन द माइक कलमा पढ़ ले वो मेरे वैरी।